हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 31 रुपए 70 पैसे की तेजी देखने को मिली, और ये स्टॉक 13.5% की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं, और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। आज के दिन ये स्टॉक देखें तो अपर सर्किट लगा चुका है, और स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक बड़ी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक के टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 35% की तेजी देखने को मिली है, तो वहीं एक महीने के अंदर 62%, 3 महीने में 67% और 6 महीने में 131% से भी ऊपर के रिटर्न देखने को मिले हैं। लगातार देखें तो इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में काफी निवेशकों को एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक काफी टाइम तक एक रेंज बोर्ड में फंसा हुआ नजर आया, जहां पर स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला काफी समय। जैसे स्टॉक ने 177 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट दिया, स्टॉक में एक बड़ी तेजी बनती हुई नजर आई, और स्टॉक में पीछे के 3 से 4 दिनों में देखें तो लगातार बड़ी मात्रा में खरीदारी देखने को मिल चुकी है। तो काफी स्टॉक पहले से ही तेजी दिखा चुका है। अगर अब आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आज के दिन का स्टॉक का एक ओपनिंग स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं 353 रुपीज। 353 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 300 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक है जब स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, अगर आप इस स्टॉक में एक फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो वहां पर इस स्टॉक को अभी अवॉइड करें, क्योंकि स्टॉक काफी पहले से ही बड़ी तेजी दिखा चुका है। ऊपरी लेवल पर निवेशकों को काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, तो वहां पर इस स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। इसलिए अभी इस स्टॉक से फ्रेश खरीदारी से बचना चाहिए। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो वहां पर एक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड करके। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।